लास्ट वीडियो में हम लोग टेंशन डिस्कस कर रहे थे। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन ऑन टेंशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है, मंकी बी इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप। जैसे यहाँ पे मान लो एक रोप है, ठीक है, और मंकी तो ड्रा करना मुश्किल है, मान लो कि ये मंकी है, दिस इज मंकी ए, ये मंकी का हाथ है और ये मंकी का टेल है और इसको मंकी बी होल्ड कर रखा है, ये मंकी का टेल है, मंकी ये मंकी ए है, अज्यूम कीजिए कि ये मंकी ए का हैंड है और ये टेल है और टेल को मंकी बी होल्ड कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंकी बी इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप। द मासेज ऑफ मंकी ए एंड बी आर 5 केजी एंड 3 केजी। इसका मास जो है 5 केजी है और इसका मास 3 केजी, सॉरी 2 केजी है। एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, 2 केजी रेस्पेक्टिवली। If A can tolerate a tension of 30 newton in the tail, A जो है मैक्सिमम 30 newton टेंशन टॉलरेट कर सकता है, 30 के ऊपर होगा तो उसका टेल उखड़ जाएगा। What force should it apply on the rope? A कितना फोर्स अप्लाई करेगा, What force should it apply on the rope in order to carry monkey B with it? In order to carry monkey B with it. एंड ऑल्सो नॉट लूजिंग हिज टेल, ऑफकोर्स टेल लूज कर जाएगा तो मंकी बी भी गिर जाएगा। ठीक है, तो कितना फोर्स रोप पे अप्लाई करेगा ताकि वो मंकी बी को भी साथ लेके जा सके। ठीक है, तो ये रोप क्लाइंबिंग का थोड़ा मैकेनिक्स समझना पड़ेगा हम लोग को, मैकेनिक्स ऑफ रोप, रोप कैसे क्लाइंब करते हैं उसका मैकेनिक्स समझते हैं हम लोग। हम लोग कई बार रोप क्लाइंबिंग करते हैं बचपन में। ठीक है, तो जैसे कैसे आप रोप क्लाइंबिंग करते हैं, यू हैव ए रोप एंड वी हैव ए पर्सन ओवर हियर, हाउ डज ए पर्सन डू ए रोप क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग करने का क्या तरीका है, व्हाट डू यू डू इफ यू हैव ए रोप इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू वांट टू क्लाइंब इट, आप उसको ऊपर चढ़ना चाहते हैं, रोप क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, सो व्हाट शुड यू डू, व्हाट इज द मैकेनिक्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर ये बंदा रोप क्लाइंबिंग करना चाहता है तो क्या करेगा, रोप को अपनी ओर खींचेगा, रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, ही पुल द रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ही विल पुल द रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जिस फोर्स से आप रोप को पुल करेंगे वही फोर्स का वैल्यू के बराबर इसमें टेंशन आ जाएगा। अगर आप रोप को 100 न्यूटन से पुल करेंगे तो टेंशन इन द रोप विल बिकम 100 न्यूटन, जितना अधिक आप पुल करेंगे उतना रोप के अंदर टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस पर्सन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा, देखिए आप रोप को नीचे की तरफ एक्शन पुल कर रहे हैं विद से फोर्स एफ, तो वही एफ जो है टेंशन टी आ जाएगा, वही एफ के बराबर इसमें टेंशन टी आ जाएगा, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा। देखिए, एक तो आपका वेट नीचे लग रहा है क्योंकि आप अर्थ से इंटरैक्ट कर रहे हैं, सपोज करो कि आप अभी पुल कर रहे हैं लेकिन अभी आप सरफेस को छोड़े नहीं हो, सपोज करो कि यू हैव नॉट लेफ्ट द सरफेस, सरफेस को आपने लीव नहीं किया है। ठीक है, यू आर स्टिल ऑन द सर्फेस, सो इफ यू आर स्टिल ऑन द सर्फेस यू हैव ए नॉर्मल रिएक्शन, सर्फेस विल एग्जर्ट नॉर्मल रिएक्शन ऑन यू इन अपवर्ड डायरेक्शन, सरफेस आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो सरफेस अभी भी आपका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और क्योंकि आप रोप से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, यू आर इंटरेक्टिंग विद द रोप, यू आर पुलिंग द रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सिंस यू आर पुलिंग द रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, रोप इज गोइंग टू पुल यू इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ऐसे भी आपको बताया कि स्ट्रिंग हमेशा ही टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होता है, स्ट्रिंग ये है, टेंशन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में हो जाएगा, यू आर पुलिंग द रोप विद टी फोर्स,
ये जो टी है वो किसके बराबर होगा, जिस फोर्स से आप रोप को नीचे पुल करो वही स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा। ठीक, ओके, सो दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम। अभी भी आप सरफेस पे खड़े हैं, रोप को पुल कर रहे हैं और सरफेस पे अभी भी खड़े हैं, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन लगता रहेगा। जब आप सरफेस छोड़ दोगे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, नहीं लगेगा, तो यू आर नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस, ये तो कॉन्टेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो चूंकि अभी आप सरफेस पे, यू आर स्टिल ऑन द सरफेस, यू आर इन इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सिंस यू आर इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यू शुड बी जीरो, सो एन प्लस टी माइनस एम जी इज जीरो, एन प्लस टी माइनस एम जी इज जीरो। तो अगर मान लो यहां पे कोई वेइंग मशीन रखा हो, इफ यू हैव वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या रीड करेगा, वेइंग मशीन ये एन रीड करेगा, क्योंकि वेइंग मशीन और आपके फीट के बीच में यही फोर्स लग रहा है ना एन। आप जो सरफेस है आप पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ यू आर गोइंग टू एक्सर्ट एन फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन वेइंग मशीन, दिस इज वेइंग मशीन, राइट। तो वेइंग मशीन इज गोइंग टू रीड दिस फोर्स। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं एन का वैल्यू क्या आ रहा है, कितना वेइंग मशीन रीड करेगा, एन विल बी इक्वल टू एम जी माइनस टी। ठीक है, अगर आप रोप को होल्ड नहीं करते हो देन एन इज इक्वल टू एम जी, अगर आप रोप को नहीं खींचते हो तो टेंशन विल बी जीरो इन द रोप। ठीक है, वो टी आप पे भी नहीं लगेगा, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आपके वेट के बराबर होगा, मतलब आपका वेट करेक्ट वेट शो करेगा, वेइंग मशीन इज गोइंग टू शो योर करेक्ट वेट। As you pull the rope in downward direction, ठीक है, you have T over here, तो normal reaction fall कर जाएगा। आप अगर rope को और अधिक force से pull करते हैं, if you pull the rope with, you pull the rope harder, आप rope को और अधिक force से pull करते हैं, T goes up, when T goes up, your normal reaction goes down। तभी आप कभी देखिए weighing machine पे खड़े होते हैं, तो you are advised not to hold anything. You are advised not to hold anything, because if you hold anything, then you have additional force acting on you. In that case, weighing machine will show your incorrect weight. Weighing machine आपका incorrect weight show करेगा. ठीक है? अच्छा, हम लोग उसमें नहीं हैं. अगर हम rope climbing discuss कर रहे हैं, हम लोग rope को downward pull कर रहे हैं. जैसे ऐसे और hard pull करते जाएंगे, और अधिक pull करते जाएंगे, tension बढ़ता जाएगा. Tension बढ़ता जाएगा तो normal reaction fall करता जाएगा. Normal reaction क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स विच इज डिस्क्राइबिंग योर इंटरेक्शन विद द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है जो आपका फीट का जो सरफेस के साथ इंटरेक्शन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो इंटरेक्शन वीकर होता जा रहा है। ठीक है, एज यू पुल द रोप हार्डर एंड हार्डर, योर इंटरेक्शन विद द सरफेस गोज वीकर एंड वीकर, तभी आपका नॉर्मल रिएक्शन फॉल कर रहा है। एक समय आएगा व्हेन यू स्टार्ट पुलिंग द रोप विद फोर्स इक्वल टू योर वेट, जब आप रोप को अपने वेट के बराबर फोर्स से पुल करेंगे, उस केस में टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन विल बिकम इक्वल टू योर वेट, इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन विल गो जीरो। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब ये है यू आर अबाउट टू लीव द सर्फेस एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग, यू आर अबाउट टू लीव द सर्फेस एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, यानी रोप क्लाइंबिंग में The minimum force which you should apply on the rope should be equal to your weight. अगर आपको rope climbing करना है, rope climbing करेंगे मतलब surface छोड़ देंगे, तो उसके लिए minimum force apply करना पड़ेगा आपको, वो होगा आपके वजन के बराबर। ठीक है, आपको अपने वेट के बराबर फोर्स अप्लाई करेंगे, then normal reaction will go zero, you will stop interacting with the surface, you are about to leave the surface, and you can move up with constant velocity. ठीक है, अगर आपने वजन के बराबर भी फोर्स लगा देते हैं तब भी आप रोप क्लाइंबिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर सकते हैं। ऑफकोर्स एक्सेलरेट नहीं करेंगे, लेकिन यूनिफॉर्मली धीरे धीरे आप क्लाइंब कर सकते हो। सो द मिनिमम फोर्स यू शुड अप्लाई शुड बी इक्वल टू योर वेट। तभी देखिए जो कम वेट के लोग होते हैं और स्ट्रांग होते हैं वो जल्दी रोप क्लाइंबिंग कर लेंगे, इनका वजन कम है और मतलब स्ट्रेंथ भी है। ऑफकोर्स वजन कम होता है तो कई बार लोग वीक होता है, तो वीक वाला तो नहीं कर पाएगा, तो जितना उसका वेट है उतना ही फोर्स नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर मान लो स्ट्रांग है, मतलब
जिम विम करता है तो उस केस में वो रोप क्लाइंबिंग कर सकता है। जो हेवी वेट के लोग हैं रोप क्लाइंबिंग उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए आप देखोगे नेपाल में कई प्रजाति पाया जाता है, जैसे गोरखा होता है, गोरखा तो आप जानते हैं, और भी होते हैं लेपचा, भुटिया, शेरपा, तो ये सब कम हाइट के लोग होते हैं और बहुत मतलब स्ट्रांग होता है अंदर से, तो लोग बहुत जल्दी रोप क्लाइंबिंग कर लेते हैं। कभी आप लोग हमेशा देखे माउंटेनियरिंग में बहुत आगे रहे हम लोग, माउंट एवरेस्ट पे देखिए यू हैड 2% क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट वाज दैट एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे वाज नेपालीज, एडमंड हिलेरी वाज अमेरिकन आई थिंक, सो दे आर वेरी गुड एट रॉक क्लाइंबिंग। व्हेन यू डू माउंटेनियरिंग देयर इज अ इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, तो जो पहाड़ी लोग होते हैं दे आर वेरी गुड एट रॉक क्लाइंबिंग, दे आर नेपालीज आर लेस इन हाइट, हाइट कम होता है तो वजन भी कम होता है ऑफकोर्स, तो एंड दे आर स्ट्रांग ऑल्सो, सो दे डू रोप क्लाइंबिंग वेरी नाइसली, ठीक है, तो बंदर की तरह चल जाएगा रोप पे, तो सो द मिनिमम फोर्स यू शुड अप्लाई ऑन द रोप शुड बी इक्वल टू योर वेट, आप वेट के बराबर फोर्स लगा देंगे यू विल लीव द सर्फेस स्टार्ट रोप क्लाइंबिंग, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स है रोप क्लाइंबिंग का, जैसे जैसे आप रस्सी को नीचे पुल करते जाएंगे नॉर्मल इसमें फॉल करता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आप रस्सी को अपने वेट के बराबर फोर्स से पुल करेंगे उस केस में आप रोप पे क्लाइंब करना चालू कर देंगे। ओके लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन किया जाए क्या निकालना है इसमें, व्हाट फोर्स ए शुड अप्लाई ऑन द रोप सो एज टू कैरी मंकी बी विथ इट। अब दोनों का ही फ्री फॉल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए का और बी का, ए और बी का फ्री फॉल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ए का जो टेल है उसको हम लोग रोप की तरह अज्यूम कर लें, जस्ट अज्यूम द टेल ऑफ ए एज रोप, दो रोप हो गया, एक यहां रोप हो गया और एक टेल को भी हम लोग रोप की तरह मान लेते हैं, ठीक है, तो दो टेंशन हो जाएगा, एक तो टेंशन टी हो जाएगा यहां और ये टी डैश हो जाएगा, ए टेंशन टी क्या होगा, दिस टेंशन टी विल बी इक्वल टू द फोर्स विथ विच मंकी ए इज पुलिंग द रोप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस फोर्स से मंकी ए उसको पुल कर रहा है रोप को वही टेंशन टी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ओके सो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बोथ आर इंटरैक्टिंग विद द अर्थ, सो यू हैव 5G फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि किससे किससे वो इंटरैक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ इंटरेक्शन तो हमेशा ही है, ठीक है, और क्या इंटरेक्शन है ए का ऊपर रोप के साथ, ठीक है, और टेल को भी हम लोग रोप ही मान लिए हैं, तो एक तो टेंशन टी हो गया, टेंशन हमेशा ही रोप के डायरेक्शन में होता है, और एक टी डैश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मंकी बी अर्थ का हो गया और एक टी डैश हो जाएगा, इसके लिए टेल ऊपर है ना बी के लिए, मंकी ए का टेल को रोप मान रहे हैं तो यहाँ रोप ऊपर है तो ऊपर डायरेक्शन लग जाएगा, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अब कह रहा है कि व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई टू कैरी मंकी बी विथ इट, अब देखिए मंकी बी को साथ रखना है, अब मंकी ए रोप क्लाइंबिंग कर रहा है, अब रोप क्लाइंबिंग या तो जस्ट क्लाइंबिंग हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो मतलब या जस्ट क्लाइंबिंग द रोप, या ये भी हो सकता है कि यू आर क्लाइंबिंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, यू आर क्लाइंबिंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, है ना, आप तेजी से क्लाइंब कर रहे हैं, सपोज करो मंकी ए इज क्लाइंबिंग अप द रोप विद एक्सेलरेशन ए, मंकी बी क्या कर रहा, मंकी बी कुछ नहीं कर रहा, बस रोप को टेल को होल्ड किए हुए, टेल को होल्ड किए हुए, ठीक है, तो अगर ए का एक्सेलरेशन ए होगा तो बी का भी ए हो जाएगा एक्सेलरेशन, ऐसे न्यूटन सेकंड लॉ लगा लिया जाए, एक्सेलरेशन ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज टी माइनस 5g माइनस टी डैश इक्वल्स टू 5a, यहां पे लगा लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, सो यू हैव टी डैश माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, ठीक है, तो ओके बट क्वेश्चन देखिए एक और दिया हुआ है, ए कैन टॉलरेट ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 30 न्यूटन, ये जो है मैक्सिमम 30 न्यूटन टेंशन टॉलरेट कर सकता है, मंकी ए का जो टेल है उसमें टेंशन का एक मैक्सिमा है, मतलब टेंशन इज टी डैश, तो टी डैश का एक मैक्सिमा भी है, तो टी डैश का मैक्सिमा क्या करेगा, टी डैश का मैक्सिमा ए का मैक्सिमा सेट कर देगा,
चूंकि टी डैश का एक मैक्सिमा है, तो ए का भी एक मैक्सिमा हो जाएगा ना उस केस में. टी डैश के नॉट एक्सीड, टी डैश क्या है, टी डैश इज इक्वल टू 2g प्लस 2a एंड दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन. टी डैश हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन. 30 न्यूटन से कम है, बढ़िया, बराबर है, मतलब बॉर्डर लाइन है, ठीक है, और ऊपर जाएगा मंकी विल लूज द टेल, ठीक है. तो 30 भी मतलब मैक्सिमम है, मतलब बिल्कुल टेल उखड़ने के कगार पे होगा, ठीक है. 30 के ऊपर तो डेंजरस हो जाएगा, तो 30 के नीचे रहना है. ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब ये 2g क्या है, जी का वैल्यू लेने के लिए बोल दिया 10 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2a लेस देन 30, यानी a विल बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है. और चूंकि क्लाइम करना है ये भी रहेगा, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. ए इस रेंज में लाई करेगा, मंकी ए मतलब का जो एक्सेलरेशन है वो इसी रेंज में लाई कर सकता है, 5 से ऊपर नहीं जाएगा. 5 से ऊपर जाएगा तो उसको अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा तो उस केस में टी डैश भी बढ़ जाएगा आपका और वो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है. तो ये जो है आपका ये ए का रेंज आ गया. अब यहां आ जाइए आप, ये क्या आ जाएगा, टी माइनस 5g एंड टी डैश इज व्हाट, 2g प्लस 2a. सो टी इज गोइंग टू बी 7g प्लस ए, ठीक है. अब ए का मिनिमम वैल्यू क्या है, ए का मिनिमम टी क्या है, टी इज द फोर्स विच मंकी ए इज अप्लाइंग ऑन द रोप. तो टी मिन क्या हो जाएगा, टी मिन इज गोइंग टू 7, ए का मिनिमम टी का मिनिमम दे देगा, ए का मिनिमम 0 है, सो इट इज 70 न्यूटन. मिनिमम फोर्स उसको जो अप्लाई करना पड़ेगा वो 70 न्यूटन अप्लाई करना पड़ेगा. 70 न्यूटन वो जस्ट क्लाइंबिंग करेगा, जस्ट क्लाइंबिंग विद 0 एक्सेलरेशन, ठीक है. टी मैक्स इज 7, ए का मैक्सिमा है, द मैक्सिमा ऑफ टी डैश सेव द मैक्सिमा ऑफ ए, ये हो जाएगा 10 प्लस मैक्सिमम 5 हो सकता है, दैट विल बी 105. तो टी इज हैज टू बी इन दिस रेंज, 70 से नीचे जाएंगे तो क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, 70 रहेगा जस्ट क्लाइंबिंग करेंगे, 70 से ऊपर जाएंगे यू विल क्लाइंब सम एक्सेलरेशन, मंकी ए विल क्लाइंब सम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम 105 ले जा सकता है, 105 में जब ई इक्वल 105 हो जाएगा उस केस में ए इक्वल टू 5 हो जाएगा और उस केस में टी डैश जो है 30 हो जाएगा, मतलब जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग योर टेल. 105 से ऊपर जाने का मतलब है 105 से ऊपर तभी होगा जब ए का वैल्यू 5 से ऊपर चला जाएगा. ए का वैल्यू 5 से ऊपर जाने का मतलब है कि टी डैश का वैल्यू 30 के ऊपर चला जाएगा, इन दैट केस मंकी ए विल लूज द टेल, ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे.